everyone and welcome back to IAM Food Show. Myself Chef John, and you know we are still in the Puja season and Puja festival, and still we all know that Puja is going on. So during Puja, like we have shown you how to make festival food, Navratri specials, and for my last episode we have started a Vilayati Khana with Mexican vegetable burritos. Today I'm going to show you one more Vilayati Khana, which is very simple and very easy. It's called chicken chatia tori. It's an Italian dish. In this dish, you know, it's have like vegetable with chicken in tomato broth and tomato sauce with a touch of red wine. If you don't have red wine, if you don't want to use red wine, you can use red wine vinegar. So for that, you see the ingredients are, I have mushrooms here, butter mushroom, already sauteed mushrooms, onion, tomatoes. I have tomato paste nicely, chopped garlic, red wine, and then chicken breast. So chicken breast, it's a boneless chicken breast. So for this dish, remember, you take a chicken breast, boneless only. So we put salt. Black pepper. Turn it over. We put salt again. ये हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सील करेंगे. सो ये हम लोग सील करेंगे. सील का मतलब क्या है, ये फ्लैट पैन में इसको हम लोग थोड़ा सा ग्रिल करेंगे. सो द अदर नेम ऑफ ग्रिल वी कॉल सील. इसको सील हम लोग इसलिए करते हैं, व्हेनेवर यू कुक विद द सॉस द चिकन वॉन्ट गेट ड्राई. ये ड्राई नहीं होगा एंड इट विल रिमेन जूसी इन साइड. सो आप जब चिकन को काटोगे, यू विल सी चिकन हैव स्टिल जूस इन साइड. अगर आप लोग सील नहीं करके डायरेक्ट इसको देंगे तो ये बाद में पकने के बाद ड्राई ओवर कुक हो जाता है. फ्राई पैन में दे दिया हम लोग. अच्छा से सील करेंगे हम लोग. अच्छा सील, देखिए आप सील करने का बस कितना अच्छा कलर आता है. तो ये क्या होता है, जो हमने सॉल्ट और पेपर को डाला तो ये चिकन के अंदर जाएगा. सॉल्ट एंड पेपर जो सॉल्ट के अंदर जाएगा, जब हम लोग चिकन को कुक करेंगे चिकन फ्राई नहीं होगा. अच्छा सा सील हो गया सब साइड. तो हम लोग इसको इधर भी कर देंगे. तो ये मेरा चिकन सील हो गया है. अभी हम लोग इसका जो सॉस है वो सॉस बनाएंगे. हर शेफ का एक अलग स्टाइल होता है, अलग रेसिपीज होता है.
मेरा भी एक अलग स्टाइल और रेसिपीज है। इस तरह से डाइस ऑनियन काटेंगे हम लोग। ऑनियन डाल दिया, जब तक ऑनियन कुक होगा वी विल कट द टोमेटो इन सेम स्टाइल। ये जो डिश है आप घर में बनिए, जरूर आपको अच्छा लगेगा। बट ओरिजिनल जैसे मैं बोला, वी यूज रेड वाइन, द सॉस हैज टू बी रेड वाइन। बट अगर आपके पास रेड वाइन ना हो तो आप रेड वाइन विनेगर भी मिलता है वो यूज कर सकते हो। टोमेटो भी हम लोग ऐसा सेम डाइस काटेंगे। तो बहुत ही सिंपल खाना है, आप लोग घर में बना सकते हैं। ऑनियन ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट हो गया, वी विल ऐड चॉप गार्लिक। इटालियन डिश है तो इसमें हम स्पाइसेस यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट मैंने बोला था स्पैनिश जो मैक्सिकन क्विजिन्स है उसमें हम लोग स्पाइसेस यूज करते रहते हैं, जैसे क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, बिकॉज दे लव दैट। हम लोग इसमें ऐड करेंगे मशरूम। थोड़ा भी सॉटे कर लिया एंड इसमें वी विल ऐड, फर्स्ट वी विल इन्फ्यूज विद द रेड वाइन। हमने बोला था रेड वाइन, वी विल इन्फ्यूज विद रेड वाइन। ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, ज़्यादा रेड वाइन डालने से अगर खाने के बाद नशा आ गया तो। हम लोग रेड वाइन को डाल दिया, इन्फ्यूज किया, फिर ऐड वी विल ऐड टोमेटो प्यूरी। उसमें डालेंगे हम लिटिल बिट ऑफ रोजमेरी, बेसिल, अगर इसका जगह ड्राई हम लोग यूज करते हैं ड्राई, बट इफ यू यूज फ्रेश और भी मजा आता है। रोजमेरी बेसिल हम लोग डाल दिए हैं, यू कैन सी नाइस। थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें, आप देख सकते हैं कलर बहुत ही रेडिश आ गया है। ठीक है, तो नाउ वी विल पुट द चिकन इनसाइड। चिकन ये सॉस में ही कुक होगा। ये एक्चुअली है बोनलेस चिकन है, बट ऑलरेडी हम लोग सील कर लिया तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम इसको कवर कर देंगे तो ये सॉस में कुक होना चाहिए। मैं सॉस में कुक होगा, जब ये सॉस में कुक होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसका जो फ्लेवर है, जो हर्ब्स फ्लेवर है, जो इसका रेड वाइन है, सब ये चिकन का अंदर जाएगा। तो ये करीब
अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 minutes कुकिंग में लगेंगे, तो 8 to 10 minutes अपने पास टाइम नहीं है, तो ऑलरेडी जो मैं रेडी करके रखा तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने जैसे बोला था ये चिकन जब काटेंगे तो एकदम जूस, आप देख सकते हैं एकदम जूसी है, ड्राई भी नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने सील किया था ये सीलिंग का काम। सो अभी जो टाइम है वो है प्लेटिंग का। तो ये जो डिश है दिस नॉर्मली व्हेन इटालियन ईट इन द रेस्टोरेंट दे ईट विद द ब्रेड, फ्रेंच बकेट और होल ग्रेन ब्रेड, लोग ब्रेड का साथ ज़्यादा खाते हैं ये डिश। कि ये जो है फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में मिलता है, सो फाइन डाइनिंग में ऑलवेज दे सर्व ब्रेड एंड बटर, यू नो डिनर रोल्स। सॉस देते तो ये लोग सॉस भी लेकिन दे डीप द ब्रेड इन द सॉस। सो देखिए इट्स वेरी सिंपल थिंग्स, वेरी इजी टू मेक, आप लोग घर में भी बना सकते हैं। विलायती खाना जो आपने कभी बनाए नहीं, कभी सोचा नहीं क्या चीज़ है, जो फूड लवर ऑलवेज मैं बोलता हूँ जो फूड लवर प्लीज़ ट्राई एट होम, एंड इफ यू हैव एनीथिंग प्लीज डू पुट कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू। सो ये सब सीखने के लिए, ये सब जानने के लिए आपको IIM ज्वाइन करना पड़ेगा, जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, एंड 2020 में वी गॉट अवार्ड फॉर द बेस्ट इंस्टीट्यूट। We have one in Kolkata, one in Guwahati. So, I hope you have enjoyed it. So, see you till next episode with something different, new, a different menu, something new and something special. But a simple homemade recipe. Till then, stay safe. Wish you a happy puja and take care. Bye-bye. Thank you.